हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विद रिद्धि एंड अंकुश। तो आज हम लोग एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेके आ चुके हैं। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा देर करके निकले हैं। आज टिकट बुक किया गया है लूव म्यूजियम देखने के लिए। तो हम लोग कल आप लोगों को बोले थे, मतलब दिखाए थे आप लोगों को कि हम लोगों का जो होटल है, होटल से आर्यन एकदम बगल में 2 मिनट अगर हम लोग पैदल जाएंगे तो हम लोगों का आर्यन स्टेशन था। तो हम लोग मैप में थोड़ा सर्च किए, सर्च करके हम लोग देखे कि अगर हम लोग जेनी व्हीलर्स जो मेट्रो रूट है वही से अगर जाएंगे तो हम लोगों को लूव बहुत पहले मिलेगा। तो आरियार जाने से हम लोगों को टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। तो फिलहाल अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो उसी के लिए हम लोगों को पैदल चलना पड़ेगा 20 मिनट। तो हम लोग बोले ठीक है, अगर टाइम कम लगता है तो 20 मिनट पैदल चल के चले जाते हैं। रूट हम लोग देख लिए हैं और आज वेदर थोड़ा ठीक है, मतलब अभी तक बारिश स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा देख लीजिए, ये ट्राम स्टेशन है, ये ट्राम जा रहा है। लोकल जो है वो लोग के लिए ट्राम बहुत अच्छा है, लेकिन जो टूरिस्ट है उन लोगों के लिए ट्राम उतना फ़ायदेमंद नहीं। ट्रेन या मेट्रो लेके जाने से ही जो मेन स्पॉट है आप लोग पहुंच पाओगे। तो यही रास्ते से हम लोगों को जाना है अभी। हाँ, हर कोई जगह अभी क्रिसमस के लिए सजाया गया है। आज यहाँ पे वीकेंड है, सैटरडे है आज। थोड़ा गाड़ी बहुत कम दिख रहा है अभी तक, कल बहुत बिजी रोड था। अच्छा, हम लोग यहाँ से अभी पैदल चल के जाएंगे एसनियस जेनी व्हीलर्स, वो मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से हम लोग M13 मेट्रो लेके, मतलब लाइन है M13 मेट्रो रूट से हम लोग जाएंगे शैम्स एलिज़े से। वहाँ से हम लोग Metro 1 पकड़ के जाएंगे फेमस लूव म्यूज़ियम। हल्का हल्का बारिश हो रहा है। वहाँ पे एक बड़ा स्क्वायर है शायद, एक बार देखते चर्च वगैरह। यहाँ स्ट्रीट लाइट भी कितना अच्छे से, मतलब डेकोरेशन किया है क्रिसमस के लिए। सॉर्ट ऑफ प्लाजा है, बड़ा जगह है और खूबसूरत है, जहाँ आके लोग बैठ के गप्पे मार सकते हैं। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। वहाँ पे छोटे छोटे कैफेज है। ये वाला दिखाओ लेफ्ट में कैफे, ये कुछ रेस्टोरेंट लग रहा है मैंने ही करके। खाने का जगह बहुत है यहाँ पे, ये मैनेट है, बगल में भी और एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे चर्च है, वो चर्च के सामने से जाते हैं। हम लोगों को सामने से ही जाना पड़ेगा। तो भाई साहब के साथ फोटो ले लिया, थैंक यू वेरी मच, क्रिसमस इन एडवांस, इट्स इज अमेजिंग, थैंक यू भाई साहब को हमारे साथ एक फोटो खिंचवाना था। ये लोकल है यहाँ पे, ये लोकल है। हम लोगों को देखे, हम लोगों से पहले पूछे हम लोग कहाँ से है, फिर बोले यू आर फ्रॉम न्यू दिल्ली, तो हम लोग बोले हाँ तो बोले इंडिया से, इंडिया मतलब कैपिटल ही समझते हैं। इंडिया बोलने से भाई साहब बोल दिए न्यू दिल्ली, तो हम लोग बोले यस। ये वाला चर्च है, चलो हम लोग का, हम लोगों को मेट्रो तक जाना पड़ेगा। ये वाला ट्राम लाइन है यहाँ पे, ये वाला एक चॉकलेट शॉप है, एक अलग सा नज़ारा है ये पेरिस का क्रिसमस के टाइम पे। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है टोटल एनर्जीज कंपनी का, तो अब पेट्रोल का भाव थोड़ा देख लेते। सुपर इथेनॉल 0.99, 1.8 यूरो, 1.7
1.7 यूरो मतलब 140-150 रुपीस का लीटर है शायद। ये वाला पेट्रोल पंप है और इसमें कार वॉश भी है बगल में। और ये एक ऑटो रिपेयर शॉप है यहाँ पे। यहाँ पे दुबई मॉल लिखा हुआ है, कोई दुकान होगा। इसको ठंड लग रही है, पूरा कवर कर ली। पास आगे ऑलमोस्ट अभी 5-7 मिनट्स है। ये एक छोटा सा नेबरहुड है यहाँ पे लखनऊ। और हर जगह यहाँ पे साइकिल स्टैंड है, तो यहाँ पे साइकिलिंग, रिन्यूएबल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत प्रमोट करते हैं। यहाँ पे अलग सा साइकिल लेन्स भी है, जैसे हमने बताया था लास्ट वीडियो में, ये साइकिल है। तो वैली बोल के एक ऐप है, तो उस ऐप से आप लोग साइकिल बुक कर सकते हो। तो चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं स्टेशन तक। ज़्यादा देर नहीं लगा हम लोगों को, वहाँ बोला गया था कि 20 मिनट्स, हमको तो लग रहा है 15 मिनट में ही पहुंच गए हम लोग। तो है मेट्रो स्टेशन है, एम बोल के लिखा है वहाँ पे, मेट्रो स्टेशन है। रोड क्रॉस कहाँ से करेंगे देखिए, ये मेट्रो स्टेशन हम लोग पहुँच गए हैं। अभी टिकट्स लेना है। हो गया टिकट हमारा। अभी लाइन 13 का ट्रेन मेट्रो लेना है। लाइन 13 दिस वन। तो ये वाला निकल गया, नेक्स्ट ट्रेन में हम जाएंगे। और ये टिकट बड़ा 2.1 यूरोस राइट पर पर्सन। हाँ 4 यूरोस टोटल, 2.1 करके। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट चेंज करके जा सकते हैं लूह म्यूजियम। तो लाइन वन में हम लोग चेंज कर लेंगे। हाँ, जैसे लाइन वन में हम लोगों को जाना है पहले शाम से ले, वहाँ से चेंज करेंगे। हाँ करके हम लोगों को लूह जाना है। 9 मिनट के बाद ट्रेन है। यहाँ पे एक वेंडिंग मशीन भी है। नहीं, हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, कुछ बंस वगैरह चॉकलेट हम लोग खरीद लिए थे, इसी वजह से करना है। यहाँ पे बहुत सारा वेंडिंग मशीन, सेल्फ सर्विस काउंटर्स है, तो ये अच्छा है। हम लोग खुद ही जैसे टिकट्स वगैरह हम खुद ही कार्ड से पे कर सकते हैं सेल्फ सर्विस में। और एक चीज़ अच्छा है कि वहाँ पे एक लोग होता है तो हमारा हेल्प किए, तो वहाँ पे उन लोगों का लोग भी रहता है। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी इशूज़, फेसिंग एनी टेक्निकल इशूज़ और कुछ भी हेल्प चाहिए, तो वो लोग हेल्प कर देते। जैसे हम लोग को बोल दिया कि ऐसे करके बुक करना है, ये स्टॉपेज सिलेक्ट करना है, तो हम लोग कर लिए। अभी वेट करते ट्रेन के लिए। टिकट, ये वाला टिकट है। ओके okay. ये जाएगा 20 मिनट्स लगेगा श्यामसली से जाने में। यहाँ वहाँ से ट्रेन चेंज करके हम लोग T1 में चलेंगे, वहाँ से हम लोग जाएंगे लूह म्यूजियम।
भीड़ था मेट्रो में, बहुत ज़्यादा भीड़ था। अभी लाइन वन लेंगे हम लोग। भी रही है लाइन, रेगुलर मेट्रो लाइन है। लास्ट आरडीआर लाइन्स जो थे वो सबर्ब लाइन थे। अभी ये वाला ट्रेन से हम लोग 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, एक स्टॉपेज है शायद। ट्रेन जाएगा तो ये वाला। हम लोग भागते हुए आए थे ट्रेन में चढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग ट्रेन में चढ़े नहीं। कंफर्म हो लिए पहले यही ट्रेन है कि नहीं, तो यहाँ पे बोर्ड पे हम लोग देखे कि 2 मिनट बाद ही ट्रेन है, तो हम लोग वो ट्रेन पहले छोड़ दिए है। नेक्स्ट ट्रेन के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। ये है मेट्रो लाइन, आप देख सकते हो। म्यूजियम वाला स्टॉपेज आ गया। हम लोग अंडरग्राउंड से अभी ऊपर आ रहे हैं। बहुत तेज हवा, बहुत ठंड है। पता नहीं टिकट का एंट्री टाइम पे देखा, बट अभी एग्जिट टाइम पे कोई टिकट चेक नहीं किया। ये वाला देख सकते हो। फाइनली हम लोग पहुंच गए लूप में। ये मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से निकलते ही एकदम गेट हम लोगों को मिल गया है। हम लोगों को 12:30 बजे टाइम है, तो फिलहाल अभी हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर जाके आप लोगों को दिखाएंगे। ये वाला एंट्री गेट है, चलते अंदर हम लोग एंट्री ले चुके हैं। वो पिरामिड दिख रहा है। हाँ। वो फेमस पिरामिड, ग्लास पिरामिड। पहले हम उतर के हम उससे पूछे कि ये पिरामिड कहाँ चला गया, ये कहाँ चले आए। फिर वो बोला कि यही है अंदर, चलो लिखा है। नहीं हाँ वही था। तो गेट यहाँ पे एक चीज़ देखा कि ये लोग जो हम दरवाजे के सामने मतलब गेट्स बनाते हैं, बहुत ग्रैंड होते हैं इन लोगों का गेट्स वगैरह। सिंपल एक घर का दरवाज़ा भी मतलब एक बहुत हाइट, बहुत ऊपर तक जाता है। The Louvre Museum, located in Paris, France, is one of the most renowned and visited art museums in the world. ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। Louvre Museum construction complete हुआ था 12th century में, जब King Philip II राजा थे। Initially ये एक फोर्ट्रेस के रूप में बनाया गया था, जो पेरिस शहर को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा दे। 400 साल बाद 16वीं शताब्दी में किंग फ्रांसिस वन इसे रिनोवेट करके एक पैलेस बना दिया था। इट बिकेम वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट पैलेसेस इन यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे
loop was transformed into a public museum और 1793 में it became open to all public. उसके बाद नेपोलियन ने यूरोप कॉन्कर करते टाइम यूरोप के फाइनेस्ट आर्ट कलेक्ट करके म्यूजियम में रखा था. आज के दिन लूव म्यूजियम इज अ सिंबल ऑफ फ्रांसिस रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज एंड इज विजिटेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर. हम लोग तो टिकट्स ऑनलाइन ही खरीद लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन है, तो हम लोग टिकट्स की तरफ म्यूजियम में लोग अंदर आप लोगों से भी बोलेंगे अगर टिकट खरीदना है तो ऑनलाइन ही खरीद लीजिए क्योंकि यहाँ पे क्यों बहुत ज़्यादा है. और यहाँ पे ऐसे ना ऑफ सीजन कुछ नहीं होता, अभी दिसंबर है तो अभी बहुत क्रिसमस टाइम है, बहुत ही क्राउड है. हम लोग का 12:30 का टाइम है तो यहाँ पे देख के हम लोग एंट्री करेंगे. अरे तो हम लोग घुस गए ये वाला ये पिरामिड ही, इसके अंदर से ही जा रहा है. हाँ ये एंट्री है पिरामिड जो है. यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, सिक्योरिटी चेकिंग कर रहे हैं. कितने मिनट के अंदर चले आए. एनपी है लूप का. ये ग्लास पिरामिड डिजाइन किया था फेमस अमेरिकन आर्किटेक्ट आयोमिंग पेई ने और ये कंप्लीट हुआ था 1989 में. द पिरामिड इज मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल विद अ फ्रेमवर्क ऑफ स्टील केबल्स एंड एल्युमिनियम ट्यूब्स. इट कंसिस्ट ऑफ 673 ग्लास पेन्स शेप्ड टू फिट द पिरामिड्स ज्योमेट्रिक फॉर्म.